Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussion over higher education and research, I am going to discuss predatory journals. The characteristic of predatory journals, how you can identify the predatory journal and all. And the lecture will be useful for your general understanding as well as for your research work and competitive teaching examinations as well. So let's start. Predatory journal. देखिए जब हम लोग रिसर्च के क्षेत्र में होते हैं, जब हम फैकल्टी होते हैं, जब हम अपने सर्विस पीरियड में होते हैं, तो हमको हमने ये जान लिया कि जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करेंगे तो उसका डिसेमिनेशन या पब्लिकेशन ज़रूरी होता है. तभी उसका अर्थ, तभी उसका लाभ सही मायने में समाज तक और एक बड़े तबके तक पहुंच पाता है. इसलिए पब्लिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन है हायर एजुकेशन का. तो जब आप पब्लिश करेंगे तो आपको चाहिए होगा कोई माध्यम, कोई मैगजीन, कोई जर्नल. तो होना तो एकेडमिक जर्नल, बढ़िया जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, लेकिन एक ये नया आप कह सकते हैं कि कल्चर उत्पन्न हो गया है प्रीडेटरी जर्नल का. अब प्रीडेटरी जर्नल की हिंदी आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं, प्रीडेटरी. प्रीडेटरी माने क्या होता है, प्रीडेटर्स माने क्या होता है, शिकार, शिकारी, है ना. तो प्रीडेटरी जर्नल का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये मैंने आपसे प्लेगरिज्म की बात की थी, जो साहित्यिक चोरी की बात की थी, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जो प्रीडेटरी जर्नल है वो प्लेगरिज्म के कल्चर को बढ़ावा देता है, गलत कल्चर को, मिसकंडक्ट को. तो हमको प्रीडेटरी जर्नल से बचना है और एकेडमिक जर्नल में पब्लिश करवाना है. ये आपसे आज जानकारी साझा करनी है. तो प्रीडेटरी जर्नल जानने के पहले हम एकेडमिक जर्नल जानेंगे, जो कायदे का जर्नल है, जो सही जर्नल है, जहां हमको पब्लिश कराना है. तो एकेडमिक जर्नल्स हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पब्लिशिंग, फर्स्ट पब्लिश्ड इन एज अर्ली एज इन 1665, यानी बहुत सालों से जर्नल्स में रिसर्च वर्क पेपर पब्लिश होते आ रहे हैं. इन प्रिंट फॉर्मेट बाय यूनिवर्सिटीज एंड लर्नेड सोसाइटीज, सर्वाइविंग ऑन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन. मतलब इंस्टीट्यूशन ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इंडिविजुअल ने ले लिया है, उसी के सहारे ये, उसी से मतलब इनका खर्चा निकलता है छपने छापने का, और ये चलते आ रहे हैं बहुत सालों से. इतना समझ में आया. द स्ट्रिंजेंट एडिटोरियल प्रैक्टिसेस विद द स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल बोर्ड एंड पीयर रिव्यू सिस्टम्स रेंडर दीज जर्नल्स ऑथेंटिक एंड देयरफॉर ट्रस्टेड अमंग रिसर्चर्स. क्यों इसको अनुसंधानकर्ता जो है इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका एडिटोरियल प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होता है. ये एक एडिटोरियल बोर्ड रखते हैं. एडिटोरियल बोर्ड मतलब कुछ लोग जो आप उनको पेपर सबमिट करेंगे छापने के लिए, तो उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे सही है कि नहीं, उसमें प्लेगरिज्म तो नहीं है, यह सब कुछ सही ठीक तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं. तो इस तरीके से, और पीयर रिव्यू सिस्टम मतलब कि एक दूसरे का पेपर रिव्यू करेंगे. तो ये जर्नल इसलिए ऑथेंटिक कहलाते हैं, और जो रिसर्चर है, जो रिसर्च वर्क करता है, वो इन पर विश्वास करता है और इनसे अपना रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का काम करता है. ठीक है. तो पीयर रिव्यूड या एकेडमिक जर्नल्स आर अमंग द की चैनल्स फॉर रिसर्च डिसेमिनेशन. तो जब जब रिसर्च होगी, रिसर्च का डिसेमिनेशन होगा, उसको प्रसारित करना होगा, उसको पब्लिश कराना होगा, तो आपको जर्नल की जरूरत पड़ेगी. अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब क्या हो रहा है, इन्हें पब्लिश और पेरिश वर्ल्ड, मतलब अब आपके ऊपर मतलब अनुसंधानकर्ता के ऊपर, रिसर्चर के ऊपर ये प्रेशर है कि या तो वो पब्लिश करा ले अपना रिसर्च वर्क, या वो बर्बाद हो जाए. इन द सेंस कि बहुत ज़रूरी है पब्लिकेशन, बिकॉज इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पीआई नहीं मिलेगा, पीएचडी आपकी अवार्ड होने से पहले आपके दो पेपर पब्लिश होने ज़रूरी है. इस तरह के नियम आते रहते हैं, संशोधन उसमें होता रहता है. तो पब्लिकेशन कैन बिकम एन ऑब्जेक्टिव इन ओन राइट. तो पब्लिकेशन अपने आप में एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया कि पब्लिकेशन कराना है. तो सबको कराना है और सब क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते हैं, तो एक मार्केट उत्पन्न हो गया प्रीडेटरी जर्नल का, एंड इंट्रोड्यूसिंग अनइथिकल पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस. और इन जर्नल्स ने अनैतिक रूप से जो पब्लिकेशन की प्रैक्टिसेस है उनको इंट्रोड्यूस किया. तो हमको क्या करना है, रिसर्चर्स शुड अवॉइड, हमको बींग अ रिसर्चर, बींग अ फैकल्टी मेंबर, इन प्रीडेटरी जर्नल को अवॉइड करना है.
बोथ एज एन आउटलेट फॉर देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड एज साइटेड रेफरेंसेज इन देयर रिसर्च, दोनों कामों के लिए। किस किस काम के लिए? पहला कि हम इसमें अपनी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं देंगे छपने के लिए, और दूसरा हम इसको साइट नहीं करेंगे कोई और काम करते वक्त। साइट करना मतलब इससे कोई उद्धरण नहीं लेंगे। इन दिस कंटेक्स्ट यूजीसी गाइडेंस डॉक्यूमेंट पब्लिक नोटिस ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी ड्रॉज स्पेसिफिक अटेंशन टू प्रीडेटरी जर्नल। तो यूजीसी ने भी इसको संज्ञान में लिया कि ये कहाँ से प्रीडेटरी जर्नल आ गए हैं, गलत काम कर रहे हैं, अनइथिकल कर रहे हैं, और इसने एक पब्लिक नोटिस भी निकाली है एकेडमिक इंटीग्रिटी पे। आपसे पिछला मैंने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो एकेडमिक इंटीग्रिटी इन रिसर्च ही था, उसमें मैंने आपसे यूजीसी डिस्कस किया था। तो यूजीसी ने एकेडमिक जर्नल और प्रीडेटरी जर्नल के बारे में भी बात की, उसने अटेंशन लाया है पब्लिक का कि आप प्रीडेटरी जर्नल में पब्लिकेशन मत कराइए। तो अब जानते हैं प्रीडेटरी जर्नल है क्या, क्या इसकी परिभाषा है। तो सबसे पहले जेफ्रे बेल ने ही सबसे पहले प्रीडेटरी जर्नल को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि प्रीडेटरी पब्लिशर्स एज आउटलेट्स, ये एक तरीके के आउटलेट हैं विच पब्लिश काउंटरफीट जर्नल्स टू एक्सप्लॉइट, विच पब्लिश काउंटरफीट जर्नल्स टू एक्सप्लॉइट द ओपन एक्सेस मॉडल इन विच द ऑथर पेज एंड पब्लिशर्स दैट वर डिसऑनेस्ट एंड लैक ट्रांसपेरेंसी। ये कह रहे हैं कि प्रीडेटरी जर्नल वो जर्नल है जहां आप पे कीजिए, मतलब आपका मटेरियल बढ़िया है कि नहीं, उसमें क्वालिटी है कि नहीं, उसमें प्लेगरिज्म है कि नहीं, इसे मतलब नहीं है। आप सिर्फ पे कीजिए, उनको कोई मुद्रा दीजिए, उनको धनराशि दीजिए, और वो डिसऑनेस्ट तरीके से ट्रांसपेरेंसी को लैक करते हुए उसको छपवा देंगे, पब्लिश हो जाएगा, और ओपन एक्सेस मॉडल को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे ही OER आया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आया, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े जनमानस को बढ़िया मैटर देंगे पढ़ने के लिए विदाउट एनी, मतलब आपको खर्चा नहीं करना है, पैसा नहीं देना है। लेकिन ये क्या करते हैं, इस ओपन एक्सेस मॉडल को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं पहले आप पे कीजिए, तब आपका कोई भी आर्टिकल, कुछ भी आपने उसमें लिखा है वो पब्लिश हो जाएगा, है ना। फिर एक कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स भी आई है, इसने भी प्रीडेटरी पब्लिशिंग को कैसे डिफाइन किया है। इट इज जनरली डिफाइंड एज फॉर प्रॉफिट, मतलब वो कह रहे हैं लाभ के लिए उन्होंने चलाया है कि आप पैसा दीजिए हम छाप देंगे, आप पैसा दीजिए हम पब्लिश कर देंगे। ओपन एक्सेस जर्नल पब्लिकेशन ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल्स विदाउट द बेनिफिट ऑफ पीयर रिव्यू बाई द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड और द यूजुअल एडिटोरियल ओवरसाइट ऑफ द जर्नल्स इन क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि आप, हम उसको रिव्यू नहीं कराएंगे, हम कोई एडिटोरियल बोर्ड से उसको चेक नहीं कराएंगे, हम ओपन एक्सेस जर्नल के का जो आपको प्रॉफिट मिलना होगा वो भी नहीं देंगे, हम सिर्फ उसको छाप देंगे। और ग्रेडनेविक कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि एंटिटीज, ये जो प्रीडेटरी जर्नल्स हैं ये एक तरीके की एंटिटी है जो कि प्रायोरिटाइज सेल्फ इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब आप में कितनी कितना आप में ज्ञान है, कितना बढ़िया आपने पेपर लिखा है, उससे मतलब ये सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब हमारा, हमने लिख लिया है पेपर, हमको पब्लिश करना है, आप पैसा ले लीजिए पब्लिश कर दीजिए। एंड आर कैरेक्टराइज बाई फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, इसलिए ऐसे जर्नल्स में जो चीज़ पब्लिश होती है वो गलत हो सकती है, वो मिसलीड कर सकती है हमको। डेविएशन फ्रॉम बेस्ट एडिटोरियल एंड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि जो बड़ा बढ़िया संपादकीय है, जो पब्लिकेशन प्रैक्टिस है, उससे भी ये डेविएट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, कब दे रहे हैं, हो सकता है बैक डेट में छप जाए पेपर हमारा। एंड और द यूज ऑफ एग्रेसिव एंड इनडिस्क्रिमिनेट सॉलिसिटेशन प्रैक्टिसेस, मतलब सब कुछ गड़बड़ चल रहा है प्रीडेटरी जर्नल में। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कैसे हम पहचाने कि ये जर्नल प्रीडेटरी जर्नल है और हमको यहाँ नहीं छपवाना है। तो प्रीडेटरी जर्नल्स विच ओवरराइड स्टैंडर्ड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस, पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस कैन बी आइडेंटिफाइड। वो कह रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जर्नल सही नहीं है। और ये देखिए बहुत नया कल्चर है, 2016 में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, अभी 2023 है मात्र, है ना। तो जैसे ही पब्लिश और पेरिश कल्चर आया कि या तो पब्लिश कराओ या तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये उद्भव हो गया इसका। तो हमको पहचानना है कैसे, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जर्नल। आप देखिए जर्नल की जो वेबसाइट होती है जहाँ अबाउट दी जर्नल होता है, जहाँ इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जर्नल होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कैसे? नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पब्लिशर एंड एडिटर आर प्रोवाइडेड। ये जो जर्नल्स होते हैं ये पब्लिशर और एडिटर का कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोई होता ही नहीं है। फिर False location of the offices of the publisher and editors are given. जो दिया भी जाएगा ऑफिस का लोकेशन वो भी गलत होगा, कहीं वो लोकेशन होगी ही नहीं इस तरीके की, ठीक है।
लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स, जो आपके जेन्युइन जर्नल होते हैं उसमें एडिटोरियल बोर्ड मेंबर का पूरा वो डेजिग्नेशन कहाँ क्या क्या उनका सारा होता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं की जाती है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिकल्स, जर्नल्स या सीरियल्स, जो जेन्युइन जर्नल होते हैं, जो आपके पीयर रिव्यूड जर्नल होते हैं, वो बताते हैं कि साल में कितनी बार छपते हैं, आवृत्ति कितनी है इनकी, छमाही है कि आपका 3 महीने में एक बार छपता है कि सालाना है, लेकिन इस तरीके की कोई सूचना प्रीडेटरी जर्नल की वेबसाइट पे नहीं होती है इन जनरल। और ये क्या करते हैं, अब इतना तो सबको पता है कि ISSN होगा तभी जनरली लोग पब्लिश कराते हैं, तो ये कहीं से फ्रॉडुलेंट, कहीं कोई गलत किसी का भी ISSN और लोगो स्टैंडर्ड पब्लिशर्स का यूज कर लेते हैं। तो सब गलत काम है, फ्रॉड चल रहा है सब। मैनी एडिटर्स आर अनअवेयर ऑफ द इंक्लूजन ऑफ देयर नेम्स ऑन एडिटोरियल बोर्ड्स, और कई एडिटर ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है उनका नाम कहाँ एडिटोरियल बोर्ड में यूज हो रहा है, मतलब किसी भी नामी गिरामी एजुकेशनिस्ट का आप नाम यूज कर लीजिए, दिखा दीजिए कि आपने कहीं भी वेब, आप तो गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, किसी का भी कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, उसको दिखा दीजिए कि वो आपके एडिटोरियल बोर्ड में। तो ये सारी मेल प्रैक्टिसेस प्रीडेटरी जर्नल में चलती हैं। कंटेंट ऑफ द जर्नल, आप कंटेंट से कैसे जज कर सकते हैं, कंटेंट जो होगा लो क्वालिटी का होगा, सेवरल टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स, बहुत सारी स्पेलिंग्स मिस्टेक होगी और टाइपिंग मिस्टेक्स होगी उसमें, जनरली ऐसा होता नहीं है, प्लेगराइज वर्क होगा, आप खुद जान सकते हैं कि अरे यही सही तो आपने कहीं और भी पढ़ा था, कहीं और भी पढ़ा था, कहीं और भी पढ़ा था, यानी कि उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। आउट ऑफ सिंक विद द एम्स एंड स्कोप ऑफ द जर्नल, देखिए जब भी कोई जर्नल अपने बारे में अपना पब्लिकेशन पॉलिसी निकालता है तो वो बताता है कि उस वो जर्नल कौन से एरिया को कवर कर रहा है, किस तरीके के उसको पेपर्स चाहिए, लेकिन इस तरीके के जर्नल जो होते हैं उनका कोई एम स्कोप नहीं है, कुछ भी आप किसी भी विषय का पेपर उठा के दे दीजिए वहां छप सकता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी, नॉट कमिटेड टू एनी सिंगल डिसिप्लिन, जनरली सभी मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल प्रीडेटरी जर्नल नहीं है, लेकिन जनरली मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं ये, बिकॉज सबका हित साध सके ना, कि आप साइंस के हैं तो भी दे दीजिए, सोशल साइंस के हैं तो भी दे दीजिए, मैनेजमेंट के हैं तो भी दे दीजिए, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जनरली होते हैं। और क्या करते हैं ये, लैक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, जो पब्लिशिंग की प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्ड है उसको ये फॉलो नहीं करते, इनका इम्पैक्ट फैक्टर भी गलत होता है, इंडेक्सिंग डेटाबेस भी गलत दिखाते हैं, मतलब कुछ भी सही नहीं होता, इन्होंने सिर्फ एक बना लिया है ऐसा छद्म अपना स्वरूप कि जिससे देखने से लगे कि ये नॉर्मल बढ़िया जर्नल है और लोग पैसा देकर यहाँ पेपर पब्लिश करा लें, सबको पता नहीं होता है कि वो प्रीडेटरी जर्नल है, पता होगा तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं नहीं पब्लिश कराएंगे, पर ये इस तरीके का फॉल्स अपना क्रिएट करते हैं, ISSN लोगो स्टैंडर्ड सब एडिटोरियल बोर्ड की लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि इस तरीके का कल्चर चल रहा है, और ऐसा कोई भी आपको शक हो तो ऐसे जर्नल में पेपर अपना पब्लिश करने के लिए ना दें। फिर कितनी तरीके के होते हैं, देखिए बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे शॉडी जर्नल, जर्नल का मतलब क्या है कि जर्नल्स हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनएथिकल फीचर्स, मतलब इन्होंने कोई भी काम इथिकल नहीं किया है, इनकी वेबसाइट गलत है, इन्होंने ISSN किसी बढ़िया जर्नल का ले लिया है, इन्होंने एडिटोरियल बोर्ड में भी गलत सलत नाम और पता दिया है, सब गलत है, अगर अनएथिकल फीचर फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे जर्नल शॉडी जर्नल कहलाते हैं। फिर हाईजैक जर्नल, ये क्या कहते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज दे मिमिक द स्टैंडर्ड पब्लिकेशन इन नेम लोगो एंड वेबसाइट। देखिए इन्होंने क्या किया, एक बढ़िया नामी गिरामी जर्नल आपके डिसिप्लिन में है उसको हाईजैक कर लिया, हाईजैक करने का मतलब कि उसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखने से क्या लगता है, दे लुक एज गुड एज द स्टैंडर्ड लेजिटिमेट जर्नल, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो इन्होंने उसको एग्जैक्टली 100% तो कॉपी नहीं कर सकते, तो वही हमको देखना है कि कहाँ ये गलती इन्होंने छोड़ दी है और हम इसमें पेपर पब्लिश ना कराएं। तो आप पेपर पब्लिश कराना आप समझ सकते हैं कि कितना ये कठिन काम हो गया है, आप पेपर लिखने से ज्यादा कठिन काम हो गया बढ़िया जर्नल ढूंढ के वहां पब्लिश करने के लिए देना। फिर क्लोन्ड जर्नल, इन्होंने भी क्या कर दिया, क्लोनिंग कर ली एक दूसरे जर्नल की, कैसे किया इन्होंने, दे आर ऑनलाइन ड्यूबियस वर्जन्स ऑफ प्रिंट ओनली ऑथेंटिक जर्नल। देखिए जर्नल आजकल प्रिंट ओनली होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं, तो कुछ जर्नल ऐसे हैं जो बढ़िया है लेकिन सिर्फ प्रिंट मटेरियल देते हैं, ऑनलाइन उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये वैसे जर्नल की ऑनलाइन बना लेते हैं अपने आप को कि हम ऑनलाइन हैं उसी का, तो सबको तो पता नहीं, उनको लगेगा अच्छा इसी प्रिंट वाले का ये ऑनलाइन वर्जन होगा, पर ये क्लोन कर लिया है इन्होंने उसको एकदम बिल्कुल उसी की तरीके का, तो यहाँ नेम ISSN सब सेम होता है। उसी तरह से क्रोनी पब्लिशिंग,
यहाँ क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, जैसे कई इंस्टीट्यूट हैं अपना अपना कोई जर्नल निकालते हैं, तो वो क्या करेंगे, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑथर्स आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट अक्रॉस ए मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज ऑफ द पीरियोडिकल। मतलब हर पीरियोडिकल जो उसका निकल रहा है हम ही मेंबर हैं, हम ही पेपर दे रहे हैं, हम ही उसको छाट रहे हैं, हम ही छाप रहे हैं, सब हम ही कर रहे हैं। मतलब कि ठीक है आप अपना पेपर दे दीजिए, आप अपना पेपर, मतलब एकदम घरेलू बना दिया है पब्लिकेशन को। कोई उसमें एडिटोरियल बोर्ड नहीं काम कर रहा है, कोई उसमें प्लेगरिज्म चेक नहीं हो रहा है, बस इंस्टीट्यूट ने बना दिया अपना पब्लिकेशन और उसी में उसी के घरेलू लोग अपना पेपर दे रहे हैं, उसी में छप रहा है, उसी में अप्रिसिएशन हो रहा है, सब अपना ही अपना काम है। तो इस तरीके के जर्नल भी प्रीडेटरी जर्नल की श्रेणी में आता है बिकॉज वो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते और इसका नाम है क्रोनी पब्लिशिंग। फिर रीजंस फॉर पब्लिशिंग प्रीडेटरी जर्नल्स, जब ऐसा है सबको पता है कि एक ऐसा मार्केट फ्लरिश हो गया है तो लोग छपवाते ही क्यों हैं। जेफरी बेल वाज़ द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट प्रीडेटरी पब्लिशर्स ऑन हिज ब्लॉग, है ना, इन्होंने बताया सबसे पहले अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रीडेटरी पब्लिशर्स आ गए हैं समाज में, मेकिंग इट क्लियर दैट दे हैड एक्सप्लॉयटेड द ओपन एक्सेस पब्लिशिंग मॉडल। बार बार ये कह रहे हैं कि ओपन एक्सेस जो पब्लिशिंग मॉडल है उसको ये एक्सप्लॉयट करते हैं, मतलब उसका शोषण करते हैं, एंड हैड अट्रैक्टेड ग्लिबल रिसर्चर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स टू पब्लिश देयर रिसर्च इन देयर जर्नल्स। और ये क्या करते हैं, जो नए रिसर्चर हैं, जो नए फैकल्टी मेंबर हैं, जिन्होंने अच्छा नहीं लिखा है, अच्छा काम नहीं किया है, प्लेगराइज काम किया है, उनका उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ छपवा लीजिए। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग रिसर्चर्स एंड न्यू फैकल्टी मेंबर्स। कई बार रिसर्चर को और फैकल्टी मेंबर को पता ही नहीं होता है कि ये प्रीडेटरी जर्नल भी का कभी कोई कंसेप्ट है और हम गलत जगह छपवाने जा रहे हैं, तो जागरूकता का अभाव है। कॉम्पिटिशन एमंग कलीग्स, डिजायर टू स्कोर हायर एंड गेन रेस्पेक्ट, हमारे अंदर कॉम्पिटिशन, अच्छा आपने 5 पेपर पब्लिश करा लिए तो हम भी कराएंगे, तो हमको क्या है, कॉम्पिटिशन है कि हमारा नंबर आपसे ज़्यादा आ जाए, हमारी रेस्पेक्ट आपसे ज़्यादा हो। फिर फियर ऑफ जॉब लॉस एंड द पब्लिशर पेरिश प्रेशर, हमने बताया ना आपको कि प्रेशर है कि पब्लिश कराना ही कराना है, आपको साल के अंत में बताना होता है कितना पेपर आपने लिखा, कितने सेमिनार आपने अटेंड किए, तो नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी अगर आप प्राइवेट में हैं, या जो भी है आपको नुकसान होगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी है, तो ये भी प्रेशर है कि पब्लिश कराना ही कराना है। और फेलियर टू पब्लिश इन जर्नल्स इंडेक्स इन वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस, जो बहुत बढ़िया रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनमें पेपर पब्लिश ही नहीं होता, उसके लिए आपको उच्च स्तरीय लिखना पड़ेगा, सब लोग नहीं लिख पाते हैं उतना बढ़िया। और रिजेक्शन बाई स्टैंडर्ड या रेस्पेक्टेबल जर्नल्स ड्यू टू इनएडिक्वेट रिसर्च स्किल्स, और अगर आपने कोशिश करके मैन्युस्क्रिप्ट अपनी भेज भी दी है अच्छे जर्नल में तो वो रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे नहीं ये 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 इसमें इतनी कमियाँ हैं, इसको सुधारिए, तो लगता है कि अब फिर लिखें फिर सुधारें, किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतना पेशेंस है, तो हम किसी और जर्नल में दे देते हैं। ये सब इसके रीजंस हैं कि लोग फैकल्टी मेंबर रिसर्चर क्यों पब्लिश ही करा रहे हैं यहाँ पे। तो UGC ने क्या किया, UGC ने भी इनिशिएटिव लिया है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इथिक्स इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन इज ऑन द UGC रडार। UGC सबसे ज़्यादा काम इस पर ध्यान दे रहा है कि रिसर्च में इथिक्स फॉलो किया जाए, बढ़िया पब्लिकेशन हो। तो इन दिस डायरेक्शन UGC हैज़ मेड अ 2 credit कोर्स ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स। तो UGC ने क्या किया है, 2 credit का कोर्स चलाया है रिसर्च और पब्लिकेशन इथिक्स पे, कंपल्सरी फॉर ऑल PhD स्टूडेंट्स टू बी कम्प्लीटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्टरल प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि आप UGC से संबद्ध किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर PhD में इनरोल होते हैं तो आपको ये जरूरी है कि पहले साल में आपको ये 2 credit कोर्स आप करेंगे रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स का। इसके अलावा मतलब उसमें वो सब बताएंगे कि रिसर्च क्या है, पब्लिकेशन एथिक्स किसको कहते हैं, एकेडमिक इंटीग्रिटी किसको कहते हैं, सारी चीजें। और UGC ने क्या किया है, ऑल्सो पब्लिश्ड ए गाइडेंस डॉक्यूमेंट, एक अपना गाइडेंस डॉक्यूमेंट निकाला है किस नाम से, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस, जिसको GARP भी कहते हैं, विच ऑफर्स रिकमेंडेशंस फॉर इंस्टीट्यूशंस टू इनकल्केट द कल्चर ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। यानी कि उन्होंने उसने गाइड किया है इंस्टीट्यूशंस को कि आप अपने यहाँ रिसर्च इंटीग्रिटी का कल्चर इनकलकेट कीजिए, और गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस मतलब किस रिसर्च प्रैक्टिस को आप कहेंगे कि ये बढ़िया है, तो आप ये करिए अच्छे काम करिए, मिसकंडक्ट मत करिए। टू एड्रेस सच कंसर्न्स एंड टू प्रमोट एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड पब्लिकेशन इथिक्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्रिएटेड द कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। देखिए केयर, बहुत नाम जो लोग आ गए हैं रिसर्च वर्क में, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं UGC केयर। इन्होंने 28 नवंबर 2018 को ये निकाला कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स।
क्यों? ताकि आप एकेडमिक इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकें, बढ़िया पब्लिकेशन हो हमारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा, हमारे रिसर्चर्स के द्वारा। तो ये यूजीसी केयर क्या है? द क्वालिटी मैंडेट ऑफ द यूजीसी एम्फेसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च एंड क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज बाई फैकल्टी मेंबर्स। तो यूजीसी ने कहा है कि सब बढ़िया, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, सबको बढ़िया क्वालिटी की रिसर्च करनी है, कुछ न्यू नॉलेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए उसने क्या कहा, फॉर दिस पर्पज एफर्ट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड एंड प्रीडेटरी ड्यूबॉय डिसेप्टिव जर्नल्स एंड एनश्योर दैट इंडियन एकेडमिक वर्क अपीयर्स ओनली इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेबल जर्नल्स। वो कह रहे हैं कि इसलिए उसने कहा है कि आप जानिए अंतर किसके किसके बीच में, कौन सा बढ़िया और कौन सा प्रीडेटरी जर्नल है, और केवल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेबल जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करने के लिए दीजिए। इसीलिए इसने यूजीसी केयर बनाया है। हैज अनाउंस्ड वाइड द यूजीसीज नोटिफिकेशन ऑफ 14 जनवरी 2019। देखिए कितनी सब नई बातें, अभी 2018-19 में चल रहा है ये सब। टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई क्वालिटी जर्नल्स अक्रॉस डिसिप्लिन। तो ये मॉनिटर करता है, पहचानता है कि किस डिसिप्लिन में कौन सा जर्नल है जो बढ़िया है, जो यूजीसी केयर का उसको अपना टैग देता है। द मेन टास्क ऑफ द केयर, तो केयर का फुल फॉर्म पता चल गया ना, कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड टू प्रमोट एकेडमिक एंड रिसर्च इंटीग्रिटी एज वेल एज पब्लिकेशन एथिक्स। तो इसका काम क्या है कि जितनी भी भारतीय हमारी विश्वविद्यालय हैं उनमें रिसर्च की क्वालिटी बढ़िया हो, हम एकेडमिक और रिसर्च इंटीग्रिटी को बढ़ावा दे सकें और बढ़िया पब्लिकेशन एथिक्स को फॉलो करें, यानी कि प्रीडेटरी जर्नल को अवॉइड करें। यूजीसी केयर का स्कोप क्या है? द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट द एकेडमिक इमेज ऑफ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल बट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द नेशन एज वेल। वो कह रहे हैं कि हम जब रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं तो ये सिर्फ हमारी इमेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं उसकी और राष्ट्र की इमेज भी इस पर डिपेंड करती है कि उस राष्ट्र से किस तरीके का अनुसंधान कार्य हो रहा है। तो द नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन रेप्यूटेड जर्नल्स इज वन ऑफ द ग्लोबली एक्सेप्टेड इंडिकेटर्स कंसिडर्ड फॉर वेरियस एकेडमिक पर्पजेज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ फैकल्टी मेंबर एंड अवार्ड ऑफ रिसर्च डिग्री। यानी कि आपके कितने पेपर बढ़िया जर्नल में पब्लिश हैं ये इसका इंडिकेटर है, ताकि उस इंस्टीट्यूशन की क्या रैंकिंग होगी, आपका अपॉइंटमेंट फैकल्टी मेंबर के रूप में होगा कि नहीं, आपका प्रमोशन होगा कि नहीं, आपको रिसर्च डिग्री अवार्ड की जाएगी कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। द परसेंटेज ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन पुअर क्वालिटी जर्नल्स इज रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया विच हैज एडवर्सली इफेक्टेड इट्स इमेज। जो ये डेटा है वो ये है कि भारतवर्ष में बहुत सारे प्रीडेटरी जर्नल हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो पब्लिश होते हैं प्रीडेटरी जर्नल में, तो ये हमारी ग्लोबल हम ग्लोबली हमारी इमेज को नुकसान पहुंचाता है। तो टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए यूजीसी केयर हैज टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग यूजीसी केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स। तो इसीलिए यूजीसी केयर ने क्या किया है, ये जिम्मेदारी ली है कि हम एक लिस्ट बनाएंगे यूजीसी केयर की रेफरेंस लिस्ट क्वालिटी जर्नल्स के लिए, और फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्चर्स को बताएंगे कि ये जर्नल बढ़िया है और ये आप यहाँ पेपर पब्लिश करने के लिए दीजिए। यू गॉट माई पॉइंट? तो प्रीडेटरी जर्नल क्या है, एकेडमिक जर्नल क्या होता है, प्रीडेटरी जर्नल को आप कैसे पहचानेंगे, और प्रीडेटरी जर्नल में पेपर पब्लिश करना के लिए देना कितना आपके लिए गलत है, देश के लिए गलत है, राष्ट्र के लिए गलत है, वो जो संस्था जिससे आप जुड़े हुए हैं उसके लिए गलत है। इसलिए यूजीसी ने केयर लिस्ट ऑफ जर्नल्स बनाया है और बताया है कि आप उसमें पेपर पब्लिश कराइए, प्रीडेटरी जर्नल्स को अवॉइड कीजिए। ओके, so in this way I have completed a you can say awareness lecture about good and predatory journals. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.